हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग क्लास 11th के ज्योग्राफी का पार्ट 2, जिसमें चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करेंगे प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। और ये जो अपना पार्ट 2 है, ये भारत के बारे में हमें सारे चीजों की जानकारी देता है। तो आज हम लोग भारत के प्राकृतिक वनस्पति के बारे में ही डिस्कस करेंगे। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। क्योंकि हमारे चैनल पे 90% लोग बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए वीडियोस देखते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये हमारा मोटिवेशन का कारण होगा। आते हैं टॉपिक के तरफ। सबसे पहले आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, प्राकृतिक वनस्पति कहा किसको जाता है। और ये चीज आपको क्लास 7 से लेकर क्लास 10 तक में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया कि प्राकृतिक वनस्पति होता क्या है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा और मॉडरेट तरीके से हमको देखने के लिए क्लास 11th के जो है वो ज्योग्राफी को देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप चीजों को बहुत बारीकी से समझ पाएंगे। अगर प्राकृतिक वनस्पति की आप बात करें, तो प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उस पौधे का होता है जिसमें आदमी जो मनुष्य होते हैं उसका हस्तक्षेप होता ही नहीं है। इसमें वही चीजें होती है जो प्राकृतिक रूप से उपजती है, ठीक है। और इसमें विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, और इसके अलग अलग तरीके के पाए जाने के पीछे का जो मेन रीजन है वो ये है कि आपकी जलवायु, मिट्टी यथासंभव हर एक जगहों पर अलग अलग तरीके की पाई जाती है, इसलिए उस हिसाब से आपको जो है प्राकृतिक वनस्पति वो अलग अलग देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम लोग डिस्कस करेंगे, तो हिमालय पर्वत पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति उगती है, क्योंकि अगर आप ये पोर्शन देखें पृथ्वी की, और यहाँ अगर आप देखिएगा ऐसे अपना इंडिया कुछ है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ जो हिमालय वाला पोर्शन जो आएगा, यहाँ वाला भाग ठंडा होता है अपना, तो इस वाले पोर्शन पे आपको जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय जो ठंडे वाले जगह पे उगने वाले जो आपको पौधे होंगी वो देखने को मिलेगी। पश्चिमी घाट तथा अंडमान निकोबार, ये वाला पोर्शन जो आपका पश्चिमी घाट है, यहाँ पे आपको, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो एरिया है, यहाँ पे आपको उष्णकटिबंधीय वर्षावन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पोर्शन भारत का जो है, यहाँ पर वाला पोर्शन, ये हमारा उष्णकटिबंध में आता है, तो इसलिए यहाँ पर वैसे पौधे आपको देखने को मिलेंगे जो उष्णकटिबंधीय होंगी। और डेल्टा क्षेत्रों में भी उष्णकटिबंधीय और मैग्रोव वन, और राजस्थान के मरुस्थल में अर्धभूमि, यहाँ वाला जो पोर्शन है राजस्थान वाला, यहाँ पे आपको जो है वो मरुभूमि में कटीले झाड़ियां देखने को मिलेगी, और जिस जगह पे वर्षा ज्यादा होती है वहां पर आपको मैग्रोव वन देखने को मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक की बातें? अगर हम लोग वनों के प्रकार के ऊपर आएंगे, तो वन को अलग अलग भागों में बांटा गया हुआ है। पहले के ऊपर अगर आएंगे तो उसको उष्णकटिबंधीय सदाबहार या फिर अर्ध सदाबहार वन कहा जाता है। दूसरा वन जो आपका होगा वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होगा, क्योंकि इसके पत्ते गिरते हैं। यहाँ से चीजें क्लियर होते जाएगी। अब आपको बहुत ज्यादा हमें डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 6 क्लास से एक ही चीज को थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर करके पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर आपने पहले प्राकृतिक वनस्पति का डिफिनेशन देखा है, तो आज प्राकृतिक वनस्पति कहाँ पाए जाते हैं, किस तरीके के होती है, सारी चीजों को देख रहे हैं, तो चीजें रिकॉल हो रही है आपके दिमाग में। अभी बहुत चीज डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। दूसरा है आपका उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, ये जो आपका होता है ये राजस्थान वाला एरिया में आपको देखने को मिल जाएगा। पर्वतीय वन जो होता है वो आपका पर्वत वाले एरिया में देखने को मिल जाएगा। और वेलांचली व अनूप वन जो है, इसके बारे में लोग डिस्कस करेंगे, ये क्या होता है डीपली डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है। अगर उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन की बात करें, तो यह पश्चिमी घाट और पश्चिमी ढाल पर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ियों पर, ये जो उत्तर और पूर्व वाला एरिया है यहाँ पर वाला, जैसे कि आपका अरुणाचल प्रदेश असम वाला एरिया हो गया, यहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी ये चीज देखने को मिल जाएगा आपको। और इस वन को उगने में जो मेन अहम भूमिका निभाती है वो होता है वर्षा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि पत्ते कभी सूखते नहीं है, और अलग अलग तरीके के आपको पेड़ देखने को मिलेंगी। तो इसमें होता क्या है कि कभी एक पत्ते गिरेंगी तो दूसरे का पत्ता आ रहा होता है, कभी दूसरे का पत्ता गिरता है तो तीसरे का पत्ता आ रहा होता है। इस कारण से यहाँ पे आपको जो वन है वो एनी टाइम जो है वो उसमें पत्ते लगे हुए दिखाई देंगे, इसलिए इसको सदाबहार वन बोला जाता है। और उस जगह पे जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, उस जगह पे आपको सदाबहार वन देखने को मिल जाएगा। और टेम्परेचर जो का जो मैटर होता है वो यहाँ पर 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान होता है, उस जगह पे ये चीज ग्रो करता है। अगर यहाँ के वनों की बात करें, तो इसकी लंबाई 60 मीटर से अधिक होती है, और इसमें जो आपको पेड़ देखने को मिलेगा वो होता है रोजवुड, महोगनी और एनी तथा एबनी, ये सारे पेड़ आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो है वो सदाबहार वन का एक बहुत अच्छा पिक्चर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप एक स्क्रीनशॉट कीजिएगा इसका, मैं धीरे धीरे स्लाइड करता हूँ। इस तरीके से जो भी इंडिकेट किया गया हुआ है, उस इंडिकेटर को आप जो है पूरे मैप पे अपने देखिए, और इसको आप कोशिश कीजिए देखने का कि किस जगह पे किस तरीके के आपको जो है
वो पौधे देखने को मिल जाएंगे। जैसे ये पर्वतीय वन को दिखाता है, तो ये आपका भूटान वाला एरिया, आपका हिमालय वाला जो एरिया है यहाँ पे आपको पर्वतीय वन देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से जो है वो वेलांचली वो अनूप वन जहां जहां पे काले काले हैं वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये चिल्का वाला एरिया हो जाएगा आपका। यहाँ पे जो है वो ये आपका पूर्वी जो तट है उस जगह पे ये देखने को मिलेगा। फिर इस तरीके का जो सिचुएशन है वो यहाँ है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन, जिसको आप लोग सदाबहार वन बोलते हैं, ये पूरा आपका पश्चिमी घाट अंडमान लक्षद्वीप वाला एरिया है। यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार है, इस जगह पे भी आपको इसी तरीके के पौधे देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप चीजों को एनालाइज कीजिए खुद से, बहुत हेल्प करेगा आपको चीजों को समझने में। अर्ध सदाबहार वन अगर बात करें हम लोग, तो उन्हीं क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। ये वन सदाबहार और अर्ध पर्णपाती वनों से मिश्रित होते हैं। इनमें मुख्य रूप से इसकी जो प्रजातियां होती है वो साइडर, उसके बाद होलक और कैल होती है। अगर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की बात करें तो इसको मानसून वन बोला जाता है, क्योंकि पूरी तरीके से मानसून पे डिपेंडेंट होता है। और उस जगह पे जहां से 70 से 200 मीटर की वर्षा होती है उस जगह पे आपको ये देखने को मिलेगा। और इस वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वन में विभाजित किया जाता है। अब आर्द्र और शुष्क वनों में इसलिए विभाजित किया जाता है क्योंकि आर्द्र वन जहां होता है वहां पर 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। और ये जो आपको पोर्शन देखने को मिलेगा ये आपका उत्तर पूर्वी वाला राज्य, हिमालय, गिरिपथ, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और उड़ीसा में उगता है। तो ये आपके अर्ध पर्णपाती वन हो जाएंगे। ठीक है, अर्ध पर्णपाती वन, नॉट अर्ध, अर्ध पर्णपाती वन। और इसमें आपको सागवान, साल, शीशम के पौधे देखने को मिलेंगे। और दूसरा जो आपका है शुष्क पर्णपाती वन, तो यहाँ पे आपको क्या होता है कि 70 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा जहाँ पे होगी वहां पे ये मिलेगा आपको। और इसमें जो इस जगह पे जो जैसे कि बिहार और उत्तर प्रदेश का एरिया है यहाँ पे शुष्क पर्णपाती वन ही देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आपको तेंदू, पलास, ये सारे पेड़ देखने को मिल जाएंगे जो यहाँ पे आपको लिखा गया हुआ है। और ये जो एक पेड़ है जैसे खैर हो गया और अक्सल वुड है, ये अक्सल वुड क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। बट आप जैसे क्लासेस चल रहे होते हैं उस वक्त जब देखें तो अक्सल वुड है क्या कमेंट कीजिए, कुछ चीजें आपको ऐसे भी आपके नॉलेज को बूस्टअप करने में हेल्प करेगी। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन की बात करें तो जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उस जगह पर आपको देखने को मिलेगा। अब अगर पीछे वाला मैप आपने देखा होगा तो चीज क्लियर है कि ये वाला पोर्शन आपको हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश वाले एरिया में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वर्षा जो है वो आपका 50 सेंटीमीटर से कम होती है। और यहाँ पे जो पेड़ पाए जाते हैं उसमें आपका बबूर हो गया, बेर हो गया, खजूर, खैर, उसके बाद खेजरी और पलास का पेड़ है। ये चीजें आपको जो है वो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन में देखने को मिलेगा। पर्वत वन की अगर बात करें हम लोग, तो पर्वतीय वन जिस जगह पे आप ऊंचाई वाला एरिया है उस जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो है वो एक्चुअली में होता क्या है कि ये पर्वत के ऊपर पाया जाता है, इसलिए इसको पर्वतीय वन बोला जाता है। अदरवाइज ये पहाड़ों के ऊपर भी पाया जाता है। और यहाँ पर जो है इसकी खासियत क्या होती है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से टुंड्रा में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। क्योंकि जैसे जैसे आप हिमालय के ऊपर, अगर आप इस तरीके से हिमालय के ऊपर जा रहे हैं तो इस जगह पे तो आपको टेम्परेचर कुछ सही मिलेगा, लेकिन पीक पॉइंट पे आप जाइएगा तो यहाँ भी कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। बट वो क्या होगा, तो ये टुंड्रा प्रदेश वाला वन होगा। ठीक है, जो कि आपको बिल्कुल उत्तरी ध्रुव वाले एरिया में देखने को मिल जाएगा। चीजें क्लियर है यहाँ पर। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो आपको पेड़ मिलेंगे वो चिनार और वालन की लकड़ी भी मिलती है इस जगह पर। जैसे कि जम्मू कश्मीर का एक एरिया है जहाँ पे आपको इस दोनों लकड़ी से हस्तशिल्प का बहुत अच्छा काम किया जाता है, क्योंकि आप इसको जिस तरीके से मोड़ना चाहते हैं उस तरीके से मोड़ सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक की बातें, इसमें बहुत चीजें डिस्कस नहीं करनी थी। वेलांचली व अनूप वन की बात करें तो ये चीजें क्लियर है, क्योंकि एक वर्ड हम लोगों के लिए, एक नया शब्द हम लोगों के लिए है और इस शब्द को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। अगर वेलांचली वन की बात करें तो भारत में विभिन्न प्रकार के आर्द्र व अनूप आवास पाए जाते हैं, जिसमें 70% भाग पर चावल की खेती की जाती है। और उड़ीसा में चिल्का और भागलपुर में ये जो है केवला दे राष्ट्रीय पार्क अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमि के अधिवेशन रामसर साइट जो होता है वो है, और इसके अंतर्गत रक्षित जल कुकुट आवास है। और ये जो है एरिया वेलांचली व अनूप वन, ये उसी जगह का होता है जो एरिया आपके आर्द्र भूमि का होता है। तो यही चीज यहाँ पर वेलांचली और अनूप वन वहीं पे आपको देखने को मिलेगी जो एरिया आर्द्र होता है। और यहाँ पे आपको रामसर साइट वाला क्लियर किया गया चीज। और ये जो आपका चिल्का और भारत का केवला दे राष्ट्रीय पार्क है, यहाँ पर होता क्या है, तो ये जल कुक्कुट का आवास होता है यहाँ पे
चीजें क्लियर है। और वैसे चिल्का जो है यहाँ पे इंडियन नेवी का बहुत सारा एक्सरसाइज भी करवाया जाता है, चीजें क्लियर है यहाँ तक। अगर हम लोग देखें तो हमारे देश में आर्द्र भूमि जो आपका रामसर साइट्स है वो 8 वर्गों में बांटा गया हुआ है, और ये चीज केवल आपको आसानी से बस पढ़ना है कौन कौन सा एरिया है, स्क्रीनशॉट करते जाइए। अब बहुत सारी चीजें डिस्कस नहीं करेंगे, बस आराम से स्क्रीनशॉट करते चलिए और निकलते चलिए आप जो नोट्स आपके तैयार किए गए हुए हैं उसमें, ये 8ों साइट को आप क्लियर कर, आप नोटबुक पर नोट डाउन कर लीजिएगा जैसे करते चलते हैं, क्योंकि अब ये चीजें बहुत कुछ डिस्कस करने वाली बस्ती नहीं है, केवल इसको याद करना होता है। याद करने वाले चीजें आराम से याद करते हुए चलिएगा। इसके बाद अगर देखें अंडमान निकोबार द्वीप समूह व पश्चिम बंगाल का जो सुंदरबन का डेल्टा है इसमें आपको मैग्रोव वन बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगा। और मैग्रोव वन की खासियत क्या होती है कि इसकी जड़ें जो होती है ना वो पानी में होती है और बहुत गुच्छेदार होती है इसकी जड़। तो ये वाला पोर्शन जो आपको मिलेगा मैग्रोव वन का, ये महानदी गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाई भागों में आपको देखने को मिल जाएगा। भारत के अगर वन आवरण की बात करें तो अंग्रेज जब हमारे यहाँ आए थे तो वो जानते थे कि ये भारत में जो वन है इसका क्या महत्व है भारत के लिए। उसने सबसे पहले क्या किया कि पेड़ों को कटवाना स्टार्ट किया, चाहे वो रेल के पटरी बिछाने के लिए काटा हो या फिर और जो है वो जनसंख्या के बढ़ते हुए कारणों से काटा हो, बट उसने पेड़ को कटवाया और इंडिया को प्राकृतिक रूप से डिमोरलाइज करने का काम किया। और अगर हम लोग देखें तो आज भी हमारे पास जितनी प्राकृतिक संपत्तियों में जो वन का एरिया बचा हुआ है ये हमारे लिए बहुत नहीं है लेकिन फिर भी बहुत है, हमें इसको बचा के और इसको और इंक्रीज करने की जरूरत है। जैसे कि आपका पश्चिमी घाट वाला जो एरिया है यहाँ पर जिस तरीके से वनों का कटाई हो रहा है ये चीज इंडिकेट करता है कि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रहा है अगर हम लोग इसके ऊपर वर्क नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमें ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके घूमना पड़ेगा। इसके बाद की अगर चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर से डिस्कस करना चाहिए वो आपका जो है वन संरक्षण की बात इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वनों का जीवन और पर्यावरण के साथ जटिल संबंध होता है। अगर अगर आप सांप को देखते हैं, सपोज दैट एक चीज आप ले लीजिए कि एक सांप है आपके पास, अगर आप इस सांप को, अगर आपने इस सांप को जो है वो क्या किया कि मार दिया तो इसका एक अलग जो है वो आप इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे जो अपना इन्वायरमेंट है उसके ऊपर, क्योंकि ये जो है आहार श्रृंखला की एक मुख्य कड़ी होती है। तो हर एक वन और हर एक जीव का पर्यावरण के साथ जटिल संबंध होता है और इसको बचाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखें तो ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से हमको आर्थिक सहायता पहुंचाता है, और इस कारण से 1952 में जो है वन संरक्षण नीति को लागू किया गया था, 1988 में इसको संशोधन किया गया। ये चीजें आपके प्री के फैक्टर में आ जाएंगे, सीधे प्री में पूछ लिया जाता है इस चीजों को। और इसके बाद क्या हुआ था कि इसके ऊपर जो है वो नियम बनाया गया कि आपने अगर इसका वायोलेशन करना है तो जो है वो आपके ऊपर क्या होगा, तो न्यायालय की तरफ से जुर्माना किया जाएगा। और जो चीजें इसका एक मकसद था वो कुछ इस तरीके से था, ये आपके कुछ 7 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसको आप केवल पढ़ना है, याद करने की जरूरत नहीं है, आपके बेसिक माइंड जो है वो इसको कवर करते हुए चला जाएगा। सामाजिक वानिकी की बात करें तो एक मतलब आता है वानिकी जो है इसको पहले तो डिफाइन करने की, तो कृषि वानिकी का अर्थ जो होता है वो कृषि योग्य तथा बंजर भूमि पर पेड़ और फसलों को एक साथ लगाने का बात करता है ये। और इसका अभिप्राय है कि वानिकी और खेती को एक साथ किया जाए जिससे खाद्यान्न भी प्राप्त हो और हमारे यहाँ जो है वो प्राकृतिक वनस्पति भी हमें मिलता रहे। क्लियर है यहाँ तक। फॉर्म वानिकी की अगर बात करें तो फार्म वानिकी में होता क्या है कि इसमें किसान अपने खेती से व्यापार करते हैं, इसके सिवा आपको कुछ याद नहीं करना है, जरूरत भी नहीं है याद करने का। वन्य वानिकी का, वन्य प्राणी की अगर बात करें तो विश्व में ज्ञात पौधे और प्रजातियों के किस्में 4 से 5%, अगर पूरा पूरे वर्ल्ड में अगर 100% कृषि और आप पौधे और जंतु की बात करें अगर 100% है तो इसमें से जो है 4 से 5% भारत में पाया जाता है। अगर 100 है तो कोई चीज, अगर 100 है तो इसमें से 4 और 5 चीज भारत में पाया जाता है। सोचिए भारत का ये स्ट्रक्चर है किसी चीज को ये करने में, किसी चीज मीन्स कि आपके वन और जो जीव है उसको संरक्षित करने में, तो इसलिए भारत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके बाद अगर हम लोग आए जो चीजों को डिस्कस करना चाहिए हम लोगों को वो इसमें होता है भारत में वन्य प्राणी संरक्षण वाला एरिया। सबसे पहले 1972 में वन्य प्राणी अधिनियम पास किया गया हुआ था कानून को, बाद में इसमें जो है वो इसको क्या किया गया कि और इसको मॉडिफाई किया गया अमेंडमेंट करके, क्योंकि उस वक्त के लिए इसमें जो है वो हुआ क्या था कि संशोधन जो हुआ था
उस संशोधन में कुछ कानून करे नहीं थे, बट 1991 में जब इसमें अमेंडमेंट किया गया 1972 के बाद लाने के बाद, तो इसमें कठोर जो है वो कानून का प्रावधान किया गया और इसमें जो राष्ट्रीय पार्क थे, पशु विहार था, ये सारे चीजों का जो है वो उद्घाटन किया गया था। पूरे देश में 103 जो है वो नेशनल पार्क और 553 वन्य जीव जो अभयारण्य है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपके सीधे प्री के क्वेश्चन है, कहाँ से कितने हैं तो यहाँ पे आएगा और कौन कौन है इसका लिस्ट आपको जब एनसीईआरटी का आपका जो क्लास चल रहा है शाम में 7 बजे जो चलता है उसमें आपको ये सारे चीजें देखने को मिल जाएगी जो आपके ज्योग्राफी बेस्ड है। बाद में पॉलिटी सारे चीजों का क्लास एनसीईआरटी बेस्ड में चलवाऊंगा। इसके बाद अगर और देखें 1991 के बाद जो अच्छे इनिशिएटिव लिए गए हुए थे यूनेस्को के साथ साथ, प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में लाया गया और एलिफेंट को 1992 में लाया गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट को। इसमें ये दोनों जीवों को संरक्षण के लिए जो है इसके ऊपर वर्क किया जा रहा है कुछ इस तरीके से। इसके बाद है जीव मंडल नीचे की बात अगर हम लोग करें तो यूनेस्को इसमें अहम भूमिका निभाता है और अगर हम लोग देखें तो 18 जीव मंडल नीचे है हमारे पास और इसमें से 10 जीव मंडल जो है वो यूनेस्को के द्वारा जो है वो जीव मंडल नीचे विश्व नेटवर्क द्वारा मान्यता प्राप्त है जिसमें यूनेस्को वर्क करती है, यहाँ पे क्लियर है। और इसमें जो दो है हमारे पास, एक नीलगिरी जीव मंडल नीचे और भी जो है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले नीलगिरी को देखते हैं तो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये जो है वो पहला भारत का जीव मंडल नीचे था और इसमें जो आपको जंतु जीव जंतु देखने को मिलेंगे उसमें आपके जो है वो इस तरीके के हैं जो आपको यहाँ पे क्लियर किया जा रहा है। ऐसे जो ऊपर वाले चीजें आपको इस तरीके से देखने को मिल रही है ये आपको ये बताती है कि इसमें से एक कोई भी वर्ड अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके आओगे, इसलिए जो भी जंतु के बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आप उसी को तो बस कवर करो ना, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद अगर हम लोग देखें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है हमारे पास उसमें नीलगिरी पहाड़ियों में जो संकटापन्न जीव है इससे आपके प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसको कवर कीजिएगा। इसमें जो है वो नीलगिरी ताहर और शेर जो दूम वाले बंदर है ये सबसे ज्यादा जनसंख्या में पाए जाते हैं और ये जो है ये संकटापन्न भी है वहां पर, क्लियर है यहाँ की बातें। अब एक काम करना है आपने, इसको आप फटाक से स्क्रीनशॉट कीजिए और बस पूरे के पूरे को याद कर जाइए, इसमें कहीं कोई इफ बट करने की जरूरत ही नहीं है। सीधा क्वेश्चन आएगा सीधा रट लेना है, इसको डिस्कस करने से केवल टाइम वेस्ट होने वाला है। इसके बाद अगर हम लोग देखें नंदा देवी जीव मंडल नीचे की, तो नंदा देवी जीव मंडल नीचे जो है वो उत्तराखंड में स्थित है और इसमें चमोली अल्मेडा और पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले का भाग जो है वो शामिल होता है इस एरिया में, जो नंदा देवी का जीव मंडल एरिया है इसमें। और इसमें जो आपको जीव जंतु देखने को मिलेंगे उसमें आपको हिम तंदुआ काला भालू कस्तूरी मृग ये चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और इसमें कुछ चीजें कुछ जीव जो है वो संकटापन्न भी है बट उसके ऊपर वर्क किया जा रहा है। अगर सुंदरवन जीव मंडल नीचे की बात करें तो यह पश्चिमी बंगाल में गंगा नदी के दलदली वाले एरिया पर स्थित है ये सुंदरवन डेल्टा और यहाँ पे 200 रॉयल टाइगर्स जो है बंगाल टाइगर्स का आवास किया गया हुआ है और इसमें मैग्रोव वन में 170 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है पक्षियों की। तो ये एरिया जो है वो हॉटस्पॉट बना हुआ रहता है बार बार और सुंदरवन में मैग्रोव वनों में जो है वो होरिसियरा उसके बाद है फीमेज और बेसकीमती इमारती लकड़ी पाई जाती है जिसका यूज जो है वो हस्तशिल्प के साथ साथ अगर देखें आप तो इसका एक्सपोर्टिंग करने में भी किया जाता है। चौथा जो है वो मन्नार की खाड़ी जीव मंडल नीचे है, ये आपको बंगाल की खाड़ी में देखने को मिल जाएगा और इसका एरिया जो है वो 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर 1,05,000 हेक्टेयर क्षेत्र जो है इस एरिया का भाग है। और इसके बाद अगर देखें तो ये जो एरिया है वो भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है, मतलब ये वाला एरिया जो है यहाँ पे ये स्थित है और इस जीव मंडल में 21 द्वीप है और यहाँ पर जो पाई जाने वाली जातियां है उसमें आपको समुद्री गाय और इसके अतिरिक्त भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्रीय विशेष के 6 मैग्रो प्रजाति जो है वो यहाँ पर संकटापन्न है जिसके ऊपर वर्क किया जा रहा है, उसको यहाँ पर सुरक्षित करके रखा गया हुआ है। ये चीजें आपको भारत के बारे में बताई गई थी, ये आपका क्लास 11th के ज्योग्राफी का जो है ज्योग्राफी के पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 5 था जिसमें हम लोगों ने प्राकृतिक वनस्पति के बारे में देखा जो भारत का था। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। और साथ में आप क्लास 7 बजे जो शाम में 7 बजे जो क्लासेस चलते हैं एनसीईआरटी का
वो एनसीईआरटी क्लास में जुड़िए। 7 बजे 8 बजे की जो क्लासेज होती है ये आपको बहुत हेल्प करेंगे इन सारे चीजों को पढ़ने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।